हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया है। कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत बीते दो सालों से कोई बड़ा आयोजन ना होने और तीसरे विकल्प की प्रदेश में दस्तक से कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व CPS सोहन लाल ठाकुर द्वारा मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में कार्यकर्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता कार्यशाला के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान देखा गया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में सभी सीटों को कांग्रेस की झोली में डालकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल आम आदमी पार्टी की ओर नेताओं के जाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये मात्र वो नेता है जो टिकट की चाह में आम आदमी पार्टी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन से कांग्रेस के प्रति लोगों का क्या रुझान है ये आपने देखा है, और हिमाचल की जनता ने उपचुनावों के माध्यम से आगे की जो रणनीति हिमाचल में क्या होने वाला है ये स्पष्ट उन चार उपचुनावों के चुनाव से कर दिया है। जो आज कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आम आदमी की तरफ लोग जा रहे हैं, तो केवल मात्र जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है या जिनको लगता है कि हमारा कांग्रेस में यहाँ तो स्थापित नेता हैं, यहाँ से हमें टिकट नहीं मिलेगा, या कुछ अपनी जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से भी, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि BJP से ज़्यादा पलायन जो होगा वो उस तरफ होगा। और लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी तीसरे विकल्प का वजूद हिमाचल प्रदेश में नहीं है।